एज लॉलीपॉप के रूप में हमें आरक्षण पकड़ा दिए भाई, आपको आरक्षित कर दिए और उसका लाभ कुछ नहीं मिल रहा हमारे बच्चों को, ना उम्र सीमा में छूट दी जा रही है, ना परीक्षा शुल्क में छूट दी जा रही है, तो फिर ये रिजर्वेशन किस काम का है। तो इसी बात को लेकर हम निवेदन करने के लिए आज मॉक ड्रिल किए हैं और प्रॉपर आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोगों ने पालन किया है, हर एक व्यक्ति के पास चेहरे पर मास्क लगा है, हर एक व्यक्ति के पास सैनिटाइजर है, हम लोग साथ साथ में आप देख सकते हैं 2 गज की दूरी है बहुत ज़रूरी, ये सारा कुछ हम लोगों ने फॉलो किया है। बावजूद इसके प्रशासन हम लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे रही है, तो हम लोग इसी जगह पर बैठे हुए हैं और अपनी मांग आप सबों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी तक, माननीय जितेंद्र सिंह जी तक, माननीय राष्ट्रपति महोदय तक और देश के और भी जो हमारे प्रतिनिधि हैं उन तक हम पहुंचाना चाह रहे हैं। से रिजर्वेशन मिला या जिस कारण से ओबीसी या बाकियों को भी आरक्षण मिला, उसका मुख्य कारण यह है कि लोग सामाजिक तौर पर गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, वो उनकी पढ़ाई बहुत बाद में विलंब से शुरू होती है, तो जब पढ़ाई विलंब से शुरू होती है तो जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने लायक पहुँचते हैं तब तक उनकी उम्र वो एग्जामिनेशन देने से निकल जाती है। तो ओबीसी कोटे में आप लोगों ने रिलैक्सेशन दे रखा है, फीस की माफ़ी दे रखी है, तो उसी प्रकार से EWS जो सवर्णों के लिए, एक गरीब सवर्णों के लिए जो एक आरक्षण दिया है आपने, उसमें भी आप यही दीजिए। जो OBC समानांतर आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं विद इन द डिस्क्रिमिनेटेड क्लासेस, जो गलत है और इसके लिए हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये लड़ाई आगे कहाँ तक चलेगी आपने? देखिए, ये लड़ाई जब तक सरकार सुनेगी नहीं, हमने राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, जितेंद्र सिंह जी को जो कि पब्लिक रिलेशंस मिनिस्टर हैं, उनको भी हमने अपनी ओर से चिट्ठी लिखी है, रिप्रेजेंटेशन दिया है, वो नहीं देते हैं तो उसके बाद फिर कानूनी रास्ता हम अपनाएंगे।